चंदौली अलीनगर थाना क्षेत्र के ख्यालगढ़ में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीती रात सोते समय धारदार हथियार से हमला करते हुए हत्या कर दी गई है। सुबह घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात मृतक महेंद्र राम उर्फ पप्पू 48 वर्षीय भोजन के बाद घर के बाहर सोए हुए थे, जबकि उनका बेटा गांव की एक बारात में शामिल होने चला गया था। देर रात युवक घर लौटा तो पिता सोते मिले, लेकिन सुबह जब पत्नी जगाने गई तो चीखने लगी। आवाज सुनकर परिजन पहुंचे, महेंद्र मृत अवस्था में मिले। उनके सर पर धारदार हथियार से हमले किए जाने का निशान मिला। हत्या की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए और आक्रोश व्यक्त करने लगे। मामला बढ़ता देख आनन-फानन में पहुंची अलीनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी है। गौरतलब है कि घटना के बाद परिवार दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मृतक महेंद्र राम भूसे का कारोबार कर परिवार का जीवन यापन करता था। उसके 5 बच्चे हैं, जिसमें से एक पुष्पा की शादी हो चुकी है, जबकि 2 बेटे शशिकांत 24 वर्षीय, गोलू 21 वर्षीय, 2 बेटियां गोल्डी 17 वर्षीय, प्रिया 14 वर्षीय अविवाहित हैं। महेंद्र ही एकमात्र परिवार में कमाने वाला सदस्य था। इस बात अली नगर प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा महेंद्र राम की सोते समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, साथ ही मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सर हम लोग गए थे बारात करने, बारात कर आए तो देखे तो सो रहे थे, और उसके बाद मैं देखा भी नहीं। 3 बजे मैं सो गया अपने घर जाकर, अब ये यहाँ पे सो गए। फिर 5 बजे मेरी मम्मी आई, 6 बजे फिर इनको जगाने रही थी, पहले बात कर रही थी और लेडी 2-4 थी वहीं से हम। फिर वो मेरी मम्मी आई जगाने, देखी तो लगी रोने की, यानी फिर हम लोग के पास गई तब, फिर हमें भी जगा के लाई। क्या लग रहा है, कैसा क्या स्थिति थी उस समय, कैसे कहाँ चोट लगी थी, क्या सर पे चोट लगी है? क्या लग रहा आपको, कैसे मौत हुई? उनकी हत्या कर दी गई है सर। किसी से पुजारी रंजीत या कोई और मामला? कोई नहीं है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें न्याय चाहिए, बात हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को कोई तारीफ